दोस्तों हाल ही में ही भारत की तरफ से 20,000 करोड़ का एक मेगा ऑर्डर दिया गया है, जिसके तहत 200 की संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल हमारी नेवी के लिए खरीदी जाएंगी और इन 200 की 200 ब्रह्मोस मिसाइल को हर एक फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर में लगा दिया जाएगा। इस तरीके का एक और मेगा ऑर्डर हमारी वायु सेना और थल सेना की तरफ से भी दिया जा सकता है। चाइना पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल के इस मेगा ऑर्डर की वजह से परेशान था, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल के सामने चाइना के एडवांस से एडवांस रेडार और डिफेंस सिस्टम अपने घुटने टेक देते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम पाकिस्तान के मियां चानू में देख भी चुके हैं, जब ब्रह्मोस मिसाइल गलती से मिस फायर होकर पाकिस्तान के बिल्कुल सही मियां चानू में गिरी थी। उस समय पाकिस्तान के पास चाइना में बने HQ-9 डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, लेकिन उस समय ये डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं पकड़ पाए थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सेना को तो ये भी नहीं पता चल पाया था कि उनके देश में कोई मिसाइल आकर गिर गई है। जब लोगों की तरफ से अपनी सेना को बताया गया, जब जाकर पाकिस्तान को ये पता चल पाया था कि उनके देश में ब्रह्मोस मिसाइल गिरी है, और यूरोप के देश भी पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल का लोहा मानते हैं, क्योंकि यूरोपियन देशों की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सभी यूरोपियन कंट्री का ये कहना था कि एक ब्रह्मोस मिसाइल को अगर किसी चिप पर दाग दिया जाए तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल है, और अगर भारत तुरंत 2 ब्रह्मोस मिसाइल को किसी भी चिप के ऊपर दाग देता है तो उसका बच पाना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन आज ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से कुछ ऐसा बताया गया है जिसकी वजह से चाइना का अपने डिफेंस सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा, और रशिया भी इस बात को लेकर हैरान है कि भारत इस तरीके के चेंजेस करके से रहा है। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से बताया गया है कि इसी साल के अंत तक भारत की तीनों सेनाओं को 450 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल सौंप दी जाएगी। साथ में इसी साल के अंत में भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के ER वर्जन का भी परीक्षण करने जा रहा है। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल 850 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी। साथ में इस मिसाइल की स्पीड 4.5 Mach होगी, यानी कि 5555 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब ब्रह्मोस ER में वो भी फीचर आने वाला है जो चाइना की नींदों को उड़ा कर रख देगा। दरअसल ब्रह्मोस ER में टेरेन हगिंग मैन्यूवरेबिलिटी आने वाली है। टेरेन हगिंग का मतलब यहाँ पर ये होगा कि अब ब्रह्मोस मिसाइल पहाड़ों से बिल्कुल चिपकते हुए चलने में सक्षम होगी, जिससे अगर दुश्मन देश पहाड़ों के बीच में भी छुपा होगा तो ब्रह्मोस मिसाइल उसको भी नहीं छोड़ने वाली है। और चाइना ने जितने भी LAC के पास में पहाड़ों पर अपने अल्ट्रा एडवांस रेडार लगाए हैं, वो भी इस ब्रह्मोस ER के सामने पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे, और ब्रह्मोस ER मिसाइल भारत के लिए एक वरदान से अलग कुछ भी नहीं साबित होगी। और अब आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत के पास वो कौन सी मिसाइल है जो इस तरीके की मैन्यूवरेबिलिटी के साथ आती है? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।